Dentist dönüşü yatı onun için first position men edildi. Mazur insan ki dil mi o dimak mı ne yani çayı. Eğer bu dil o dimak ise mazur et bu her çizse mazur et. Meri çok ne bu mol ne kattı. O jo diskaret kattı bu asıl men kattı kattı. Bayde azın için beni şuru kıya ta. Pehle drawing kattı ti bir painting şuru kattı. मेरा नाम हिना यास्मीन है और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और पेंटिंग भी करती हूँ और थोड़ी सी ऐसे पॉइंट या वो भी लिख लेती हूँ। आई थिंक 2016 का था पीरियड और मेरे कंपटीशन हुआ था मुसाजई शरीफ में। डेंटिस्ट लड़कियाँ थी उनमें से फर्स्ट पोजीशन मैंने ली थी और काफ़ी सारे गिफ्ट वो चीज़ें भी मिली थी एंड बस फिर वही से शुरू हो गया मेरा। किसी से इंस्पायर नहीं थी, बस मुझे खुद ही ऐसे अंदर से शौक हुआ और मैंने वही कंपटीशन वो किया, जब विन किया तो मुझे लगा कि मैं इसमें चीज़ में आगे जा सकती हूँ। ये अभी तक मैंने ना कोई अकेडमी ज्वाइन की है ना मैंने किसी से सीखा है, ये जितना भी काम हुआ वही मेरा खुद का अपना है। ये मेरा पैदाइशी है मसला और यानी ये मेरे जो घुटने वो मूव नहीं करते हैं एंड इसको हमने चेकअप जब करवाया है तो उन्होंने यही कहा कि आपका 18 साल के बाद ऑपरेशन हो सकता है, अदरवाइज अगर अल्लाह का मौजा होगा तो मैं चलना शुरू भी हो जाऊंगी। और मेरे जो हाथ थे वो भी ऐसे बंद थे तो ये फिजियोथेरेपी कर करके तो मेरे सही हो गए बिल्कुल। और इनका बस यही वो था कि पहले बंद थी, अब ये खुल सारी तो खुल गई और इनका जो है कहते हैं कि ऑपरेशन होगा और इनको खोल देंगे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट थे मेरे पेरेंट्स की, मेरे वालिद की, और वो बिल्कुल मुझे एक बेटों की तरह प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मेरी बेटी है ये। कायदे आज़म से मैंने शुरू किया था, पहले ड्राइंग करती थी फिर पेंटिंग शुरू कर दी तो फिर ये सारी जैसे मैंने बनाई हैं गुड़िया वगैरह और इनको मैंने पेंट किया तो अब मैं कैलीग्राफी भी की है और इन चीज़ों को मैंने सबको किया हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह करूँगी मैं। और कैलीग्राफी मेरा ज़्यादा वो है कि कैलीग्राफी होनी चाहिए। मज़ूर इंसान के दिल में और दिमाग में नहीं होनी चाहिए, अगर वो दिल और दिमाग से मज़ूर है तो वो हर चीज़ से मज़ूर है। और कई जो हैं वो मेंटली मज़ूर होते हैं, कोई फिज़िकली होते हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह ने दी है, अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह ने एक चीज़ मुझसे ली है तो कई नियमतों से मुझे नवाजा है। मैं अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करूँगी। और मज़ूरी कई ऐसे होते हैं कि वो फिज़िकली बिल्कुल सही होते हैं लेकिन उनका माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है, वो कोई चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी मज़ूरी ये, और जो डिस्करेज करते हैं वो असल में इनक्रेज करते हैं, क्योंकि आपको सब तारीफ आपकी करें ना तो आपको अपनी खामियां नज़र नहीं आती हैं, और जो आपको डिस्करेज करते हैं तो वहाँ हम उनको वो करते हैं कि हम में वाकई ये खामी है तो हम उनको सही करने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसे हुए हैं और मैं उन्हें भी यही कहूँगी कि सबसे पहले लोगों की बातें ना सुने और वो जब करते भी हैं तो पहले अपने ऊपर फोकस करें कि वाकई आप में ये खामी है, अगर खामी है तो उसको आप सुधारने की कोशिश करें।